ਅਧੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੌਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ अभी तक सरकार ने एमएसपी पे कोई बात नहीं की है, अभी तक सरकार ने केस वापसी की कोई बात नहीं की है, शहीदों को मुआवजा देने की कोई बात नहीं की है, बिजली बिल पे कोई बात नहीं की है, तो लेकिन जो तीन कानून वापस लिए हैं और उनको कैबिनेट में भी पास कर दिए, आगे संसद में भी पास करने के लिए रख दिए हैं, उसके ऊपर विचार किया जाएगा कि हमें 29 तारीख का जो हमारा संसद कूच का प्रोग्राम था उस पे हमें क्या फैसला लेना है, और सरकार ने बाकी मुद्दों को जो नहीं छुआ है, जिनके लिए हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, उन पे हम आगे क्या रणनीति बनाए, सरकार की तरफ से क्या अभी तक कोई बात अगर आई है तो उसमें मीटिंग में विचार कह रहे हैं कि संभव है नहीं एमएसपी। देखिए अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि एमएसपी संभव ही नहीं है तो फिर हो सकता है कि वो हमें यहाँ से उठाने के मूड में ना हो सकता है वो इस आंदोलन को आगे चलवाने के मूड में हो, अगर वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी संभव नहीं है। कोई चर्चा हो रही है कदम तक पराली को लेकर, कोई केस नहीं होगा, ये देखिए ये तो हम अभी चर्चा होगी, अभी बस मीटिंग शुरू होगी, और जहाँ तक आप पराली की बात कर रहे हैं केस नहीं होगा तो वो भी अभी तक हमारे सामने किसी तरह से नहीं है, जुबानी बात है, लिखित में वो नहीं आई। अगर देखिए हमने 6 मांगे लिख के भेजी थी, अगर सरकार उन पर बात करना चाहती है तो हम खुले मन से बात के लिए तैयार है। अभी एमएसपी पे कोई कमेटी नहीं बनी है ना, कहना और करना अलग बात है, कौन उसके मेंबर होंगे, हमारे किसानों की तरफ से उसमें कितने मेंबर लिए जाएंगे, सरकार की तरफ से उसमें कितने मेंबर होंगे, कितने दिनों में वो अपनी बात फाइल करेगी, उसके अंदर कौन कौन सा काम होगा, कुछ भी नहीं आंदोलन खत्म नहीं होगा जी, जी एमएसपी ने गाल नहीं कर दी सरकार, आंदोलन खत्म नहीं। देखिए अगर सरकार अब जो है इस पे हठ धर्मी अपनाती है, देखिए बहुत सी चीजें हैं एमएसपी में, बहुत सी चीजें हैं, मैं मेरी बात थोड़ा सा मीडिया ध्यान से सुने, मेरी 2-3 चीजें हैं, हिंदुस्तान की एमएसपी से, भारत की एमएसपी से, भारत की एमएसपी से कम मूल्य पर बाहर से आयात नहीं होना चाहिए। भैया बात सुनिए, भैया बात सुनिए प्लीज, एमएसपी से कम बाहर से खरीद नहीं होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, जितना एमएसपी पे वो खरीद रहे हैं, जैसे मान लिया वो पंजाब से खरीद रहे हैं, हरियाणा से खरीद रहे हैं, अब मतलब इस जितना पिछले 3 साल की एवरेज है, जितना पिछले 3 साल में हाईएस्ट खरीदा